हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर हमारे पास खड़ी है हीरो XMR 210 लिक्विड कूल्ड इंजन, हीरो का पहला। काफ़ी सारी बातें इस बाइक के बारे में करने के लिए। फुल LED सेटअप मिलता है, एडजस्टेबल वाइजर मिलता है एंड बहुत ही सारी चीज़ है। तो सभी के साथ शुरू करते हैं। DOHC इंजन मिलता है, आयरन स्विंगा मिल रहा है, अच्छी खासी मोटी चेन मिल रही है, एक रेड कलर का मोनोसॉक सस्पेंशन मिल रहा है बैक में, आगे नॉर्मल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल रहे हैं। फुल फेयरिंग बाइक है जैसे कि आप सभी को पता है, और काफ़ी टाइम हो गया है लॉन्च हुए। मेरे चैनल पर वीडियो थोड़ी लेट आ रही है क्योंकि हमारे इधर गाड़ी अवेलेबल होने में थोड़ा टाइम लग गया। बाकी आगे आपको बाइब्रेक के ब्रेक्स मिल रहे हैं, पीछे भी आपको बाइब्रेक के ब्रेक्स मिल रहे हैं। ब्रेक्स की देखने वाइज अच्छे लग रहे हैं कि हाँ, बाइब्रेक के प्रॉपर कैलिपर्स हैं, बाइब्रेक के डिस्क वगैरह हैं, तो ब्रेकिंग अच्छी होगी। टेस्ट राइड हमें अभी नहीं मिल पा रही है। बाकी आगे ऐसे पाइप मिल जाएगा, अच्छा खासा बड़ा रेडिएटर मिल रहा है। मतलब अगर इसे डायरेक्ट व्यू वाली बात बताऊं तो इन वीडियो जितनी भी मैंने अभी तक ये गाड़ी देखी तो मेरे को लगा था और ज़्यादा मोटी है, बट ये उतनी मोटी नहीं है। टैंक काफ़ी स्लिम साइड पर ही है। हैंडल बार अच्छा खासा बड़ा है, क्लिप ऑन हैंडल बार्स मिलते हैं, यहाँ पे मोबाइल चार्जर मिलता है। डिस्प्ले भी मेरे को लगी थी कि अच्छी खासी बड़ी होगी, बट डिस्प्ले काफ़ी छोटी सी है। आई गेस 4 इंच LCD नेगेटिव LCD डिस्प्ले मिलता है। मिरर्स इन्होंने डिसेंट साइज़ के दिए हैं, बिल्कुल छोटे नहीं है, अच्छे खासे डिसेंट साइज़ के मिरर्स इन्होंने दिए हैं। इन हैंड कंट्रोल्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको हजार्ड लाइट का स्विच मिल जाएगा, इंजन किल स्विच स्टार्ट एक ही में मिल जाएगा, यहाँ मोड सेलेक्टर मिल जाएगा, इंडिकेटर, हॉर्न, लो बीम पास सब इसमें मिल जाएगा। बाकी एक स्प्लिट सीट मिलती है, ऊपर एक सीट अलग, नीचे एक सीट अलग। बाकी ब्रेक्स जैसे मैं बता ही रहा था कि बाइब्रेक के प्रॉपर कैलिपर्स मिल रहे हैं, तो डुअल चैनल ABS भी इसमें मिल रहा है, तो कि बहुत सही चीज़ है। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो प्राइसिंग काफ़ी अफोर्डेबल है। प्राइसिंग में आपको अभी बता देता हूँ, एक्स शोरूम आपको ये गाड़ी पड़ती है 1,80,000 रुपीज़ की, एंड देहरादून में ऑन रोड अभी के हिसाब से जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2,15,000 में आप ये गाड़ी घर ले जा सकते हैं। तो ये होगी प्राइसिंग की बात। अब पढ़ते हैं और चीज़ों पर, थोड़ा सा आपको वैसे दिखा देते हैं, फिर हम जाएंगे टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस पर पूरा, ठीक है। नॉर्मल हीरो की मिलती है ऐसे करके, इसकी स्टार्टिंग एनिमेशन है राइड योर लेजेंड, ठीक है। इधर आपको टेम्परेचर गेज मिल जाएगा, गियर इंडिकेटर, फ्यूल इंडिकेटर, RPM मीटर, स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, यहाँ पे मोड और सेलेक्ट का बटन है, इसमें देखते क्या क्या है। ऑडो मिल जाएगा, फिर आपको एवरेज स्पीड, टाइम, ट्रिप ए, ट्रिप बी, एवरेज फ्यूल, रेंज, नेविगेशन, फोन से कनेक्ट हो गए, बैटरी, सर्विस ड्यू इन्फो, ऑटो अपेयरेंस, इधर टाइम भी मिल रहा है नीचे, तो अच्छी खासी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन इस डिस्प्ले में मिल रही है। बस डिस्प्ले मेरे को पसंद है, छोटी सी लगी। ऐसे कुछ बैक मिलेगा पूरा, एक बार और की ऑन करके दिखा देता हूँ आप, लाइट्स वगैरह कैसी लग रही हैं। ऐसी बैक मिलेगी, बैक लाइट मेरे को अच्छी लगी, डिज़ाइन अच्छा है, ठीक है। बाकी हजार्ड ऑन करके गाड़ी को जैसी लगेगी, एंड फ्रंट से भी दिखा देता हूँ आपको। आगे दो प्रोजेक्टर दिए हैं, ठीक है, उनके साइड में DRL दिए हैं, एंड ऐसे आपको इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। प्रोजेक्टर में एक बार जला के दिखाऊँ, ऐसे जलते हैं हाँ, तो ऐसे पूरे चार हैं वो, दो प्रोजेक्टर हैं, दो LED साइड में। अदर वाइज अब आते हैं इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस पे, तो इसमें आपको मिलता है 210cc का इंजन, ठीक है, लिक्विड कूल इंजन मिल रहा है, जो जनरेट करता है 25.15 BHP की पावर 9,250 RPM पे, 20 Nm का टॉर्क 7,250 RPM पे। टॉप स्पीड इसकी क्लेम हो रही है 130, बाकी तो अब जितनी भगा दो। बाकी 6-speed गेयरबॉक्स मिलता है, 1 down 5 up वाला, लिक्विड कूल्ड वगैरह मैंने आपको बताई दिया। अगर हम टैंक की बात करें तो यहाँ पर आपको एक फाइबर की कवरिंग मिल रही है पूरी चारों साइड से, और ये 11 लीटर्स का टैंक है, 11 लीटर्स की टैंक कैपेसिटी है। बाकी डायरेक्टली BS6 OBD2 E20 फ्यूल सपोर्ट के साथ लॉन्च हुई है गाड़ी। फ्रंट सस्पेंशन का आपका डायमीटर मिलता है 37 mm का, और पीछे वाला आपको मोनोसॉक 6-step प्रीलोड एडजस्टेबल मिलता है विद गैस रिचार्ज, ये GRS वाला, ये GRS तो लिखा है, ये दोनों ही डिस्क मिलते हैं, फ्रंट भी डिस्क ब्रेक, बैक भी डिस्क ब्रेक। टायर सेक्शन की अगर हम बात करें तो बैक टायर आपको मिलता है 140x70 का 17 inches का, और फ्रंट टायर आपको मिलता है 100x80 का 17 inches का। ट्यूबलेस टायर मिल रहे हैं। बाकी अगर हम बाइक के कर्व वेट की बात करें तो 163 kgs है, जो कि डिसेंट वेट है, हैवियर साइड पे बिल्कुल भी नहीं है। सीट हाइट आपको 810 mm की मिलती है, एंड ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है 160 mm का। और स्पोर्ट्स बाइक डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस से ज़्यादा भी नहीं है और बिल्कुल कम भी नहीं है, तो इंडियन रोड्स के हिसाब से ठीक है। बाकी स्टील ट्रेलिस फ्रेम मिलता है, बाकी ऐसा कुछ आपको एग्जॉस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। ओवरऑल गाड़ी है ठीक ठाक साइज़ के, से बिल्कुल छोटी या कॉम्पैक्ट सी गाड़ी नहीं है, अच्छी खासी साइज़ की गाड़ी है। पीछे आपको फुल ग्रैब रेल भी मिल रहे हैं अगर पिलियन है उसके पकड़ने के लिए। सीट की अगर हम कंफर्ट की वैसे बात करें तो डिसेंट साइज़ पे कंफर्ट है, बेकार भी नहीं है और बिल्कुल क्रेजी भी नहीं है, तो डिसेंट साइज़ पे का कंफर्ट जाता है जैसे मेरे को इसे फील हुआ। बाकी ये भी नया डिज़ाइन है फुल। वाइज़र और मैं दिखा देता हूँ कैसे ऊपर नीचे होगा, आपको ये वाला बटन होल्ड करना पड़ेगा एंड तब वो वाइजर ऊपर नीचे होगा। ऐसे आप बटन होल्ड करेंगे तो आप वाइजर ऊपर करके लॉक कर सकते हैं, बटन होल्ड करेंगे तो वाइजर नीचे करके अपना नीचे तो लॉक हो ही जाएगा। ये मिरर ऐसे फोल्ड हो जाएंगे अपना अंदर को जितना ये हो सकते हैं, वैसे पूरे ट्विस्ट नहीं होंगे। तो ये सारी डिटेल्स थी इस बाइक के बारे में जो मेरे को लगा
मेरे को शेयर करनी चाहिए। बाकी अलॉय व्हील्स आपको नॉर्मल ग्रे कलर के ही मिल रहे हैं, कोई अलग से येलो कलर के अलॉय व्हील्स नहीं है। प्राइस वगैरह मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था, फीचर्स वगैरह डिटेल्स वगैरह मैंने सब आपके साथ शेयर कर दिए। टेस्ट राइड वगैरह हमें अनफॉर्चुनेटली इस गाड़ी की नहीं मिल पाई, तो उस बारे में हम बात नहीं करेंगे। सो दिस वॉज द वीडियो फॉर यू गाइज, आई होप सो वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक शेयर। फिर मिलते हैं किसी ब्लॉग कंपेरिजन या रिव्यू में। बाय बाय।